हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडेक्स फंड के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले भी रिसीव हो चुके हैं कि इंडेक्स फंड के ऊपर वीडियो बनाई, तो आज की वीडियो में हम इंडेक्स फंड के ऊपर ही बात करेंगे। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं इंडेक्स फंड को लेकर के, क्या आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, कहां पर दोस्तों इन्वेस्ट करना सही होता है, सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ये आपका प्यार सपोर्ट है। अगर इस वीडियो पे दोस्तों 1000 लाइक आता है तो अगली वीडियो दोस्तों आपके कमेंट्स में से कोई उठाकर मैं बनाऊंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड जो है वो होते क्या है, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, मैंने कई वीडियो में आपसे जिक्र किया है किस तरह से आपका पैसा जो है एक फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करता है, अपने बुद्धिमानी से, अपनी टीम वर्क, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो चुनता है आपके फंड्स के नीचे, और वहाँ से आपको एक जो है अच्छा बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स फंड किस तरीके से काम करता है सबसे पहले वो समझ की जरूरत है, तब सारा सीन जो है आपके सामने क्लियर हो पाएगा। तो जो आपके ये सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनके अंदर आपके जो इंडेक्स फंड है वो निवेश करते हैं, इनके अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं और जहां पर निफ्टी ने जिस मात्रा में यहां पर इन्वेस्ट किया उसका सेम कॉपी ये बनाता चला जाता है। तो आपका जो इंडेक्स फंड है वह निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टेड है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, तो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंडेक्स फंड जो है वहां पर स्टॉक्स बाय करेगा। यहां पर फंड मैनेजर को कोई भी अपना दिमाग यूज करने की नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं है। सेम ये जो है इंडेक्स को कॉपी करता चला जाता है, जो मार्केट करेगी वही यहां पर जो है आपको वहां पर जो कंपनियां चुनी हुई हैं उन्हीं कंपनियों को उठाकर आपको कॉपी कर दिया जाता है। तो इंडेक्स फंड के जो स्टॉक पिकिंग है कुछ इस तरह से ही किए जाते हैं आपके फंड मैनेजर के द्वारा। तो यहां पर फंड मैनेजर की तरफ से कोई भी स्टडी एनालिसिस का जो है जोर आपके लिए नहीं लगाया गया है। और कई लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सबूत के साथ दिखाना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड जो है उनका जो एक्सपेंस होता है बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने का रीजन ही यही है कि वो आपके लिए कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनका काम है बस निफ्टी 50 को फॉलो करना। जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं वहां पर उन कंपनियों को उठा करके उसी के मुताबिक स्टॉक जो है वो बाई कर लेना, जो वहां से लिस्ट आउट हो जाएंगी, जो निकल जाएंगी उनको निकाल देना। तो इस तरह से दोस्तों चलता रहता है। तो यहां पर एक्सपेंस तो कम होना ही है क्योंकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान जो है मैंने ओपन करके रखा हुआ है। वैल्यू रिसर्च की ये वेबसाइट है, 3 स्टार इसको मिले हुए हैं। मैं यहां पर किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, केवल ये इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए मैंने निकाली है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस पे जब आप नजर डालेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा 0.10%। इसका मतलब ये है अगर आपने 100 रुपए निवेश किए हैं तो यहां पर दूसरे फंड में आपको 1 रुपया 20 पैसा या फिर 1.5 रुपया तक देना पड़ता था, यहां पर आपको केवल जो है वो 10 पैसे देने पड़ेंगे पर 100 रुपए। उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना आपको एक्सपेंस जो है वो पे करना पड़ता है, मतलब इतने पैसे को छोड़कर बाकी आपका पैसा जो है वो जाकर के आपका आगे इन्वेस्ट हो जाएगा। इतना पैसा जो है ये फंड मैनेजर ले लेगी, ये HDFC जो है जो इनका फंड मैनेजर है उनके ये मैनेजमेंट का चार्जेस है, लेकिन यहां पर बहुत कम है, 10 पैसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप उसी के मुकाबले कोई दूसरा एक्टिव म्यूचुअल फंड ओपन करेंगे तो जब आप उसका एक्सपेंस देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा आपको जरूर नजर आएगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। इंडेक्स फंड के बारे में एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इंडेक्स फंड कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करता है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि ये जो है जो निफ्टी 50 है, जो सेंसेक्स है, उनके अकॉर्डिंग कॉपी करके ये इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप अंडर परफॉर्मेंस भी आपका फंड जो है वो नहीं करेगा। तो जो लोग बहुत ही घबराते हैं, बहुत ही पैनिक होते हैं कि हम कहां इन्वेस्ट करें कहां नहीं करें, तो वो लोग भी इस टाइप के फंड के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब मार्केट बहुत अच्छे से चढ़ेगी तब आपको एक एक्टिव फंड जो एक फंड मैनेजर के द्वारा स्मार्टली मैनेज किया जा रहा है उसके मुकाबले आपका जो रिटर्न रहेगा वो बहुत कम रहने वाला है। तो चलिए यहां पर मैंने कुछ फंड जो है वो ओपन किए हैं आपको रिटर्न दिखाने के लिए कि अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और आप एक्टिव
फंड में निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न में कितना बड़ा फर्क आ सकता है, तो वो भी मैं आपको एक आइडिया से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, यहां पर मैंने जो सेम फंड है उसी का मैंने रिटर्न ओपन कर लिया है। आप यहां पर देख सकते हैं HDFC इंडेक्स फंड जो मैंने आपको दिखाया था उसका सेम मैंने यहां पर रिटर्न ओपन कर लिया है। 2018 तो सभी म्यूचुअल फंड के लिए बुरा रहा है, तो यहां पर 2018 को छोड़ देते हैं। 2017 म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बढ़िया रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे फंड ने हिस्ट्रियां लिखी हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2017 के अंदर इस फंड ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है यहाँ पर 12% के आसपास का रिटर्न दिया था, सेकंड क्वार्टर के अंदर 3.4% का रिटर्न दिया था, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर जाते जाते यहाँ पे 2.1% का रिटर्न दिया था, और यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर आपको 6.8% का रिटर्न दिया था। और यहाँ पे बात करेंगे एनुअल रिटर्न की, तो अभी अब बात आ जाती है दोस्तों एनुअल रिटर्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29.6% का रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला था। तो आप बोलेंगे यार जो एनुअल रिटर्न है तो काफ़ी अच्छा मिला इस फंड के नीचे, लेकिन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग दूसरा फंड दिखाने की कोशिश करता हूं जहां पर आपको एक्टिवली मैनेज किया गया है। यहां पर फंड मैनेजर के द्वारा अपनी समझदारी से आपके लिए स्टॉक पिक किए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक फंड आपके लिए ओपन किया है जिसका रिटर्न आप देख लीजिए 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में यहां पे 14.2% का रिटर्न आपको निकाल कर दिया है, सेकंड में 5.6 का रिटर्न आपको निकाल के दिया है, थर्ड में 3.8 का निकाल के दिया है, और फोर्थ क्वार्टर में 9% का रिटर्न यहां पर आपको मिला है। और बात कर लें यहां पर एनुअल रिटर्न की, तो यहां पर 40 के पास में टच हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर 39.4% का जो रिटर्न है इस फंड ने आपको निकाल करके दिया है। तो ये होता है एक एक्टिव जो फंड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके रिटर्न का एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडेक्स फंड के मुकाबले। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, ज्ञानी विशेषज्ञ लोग बोलते हैं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, इंडेक्स फंड कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फंड एक एक्टिव मैनेज फंड के बराबर रिटर्न भी आपको नहीं देगा, यह भी बात बिल्कुल सही है, आप इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। अच्छा, अभी क्या फर्क होता है एक्सपेंस में, एक्सपेंस में भी फर्क दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे फंड मैनेजमेंट कराने का पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके फंड मैनेज करने के आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे का नुकसान हो रहा है, कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है। तो वहां पर आप 0.10% का आप जो एक्सपेंस दे रहे थे। अभी आ जाते हैं इस फंड के एक्सपेंस के बारे में, तो आप यहां पर देख सकते हैं 0.79% का आप यहां पर एक्सपेंस जो है वो पे कर रहे हैं, यानी कि उससे जो है 0.70% जो है वो ज़्यादा, यानी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वहां पे आपको जो है 70 पैसा जो है यहां फंड मैनेजर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे से फंड पिक कर रहा है, बहुत ही स्मार्टली तरीके से आपके लिए मैनेज कर रहा है, टाइम टाइम पे आपके जो स्टॉक है उनको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए वो अपनी टीम, टेक्नोलॉजी और अपनी जो है स्मार्ट बुद्धि लगा रहा है, तो इतना पैसा वो आपसे ले रहा है। लेकिन आप जब डिफरेंस नापने जाएंगे रिटर्न में तो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है वो कभी भी एक्टिव फंड के बराबर आपको रिटर्न नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब मार्केट टूटती है तो यहाँ पे जो एक्टिव फंड है उनकी गिरावट भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो यही है कुछ मेन जो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आपके लिए इंडेक्स फंड अच्छा है या फिर आपके लिए यहां पर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड अच्छा है। मेरे हिसाब से कभी भी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा वाकई में आपको जो है थोड़ा सा पैसा रिटर्न निकाल के दे अच्छे से, तो मेरे हिसाब से आपको एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो जरूरी नहीं आप जो है स्मॉल कैप या मिड कैप लें, आप लार्ज कैप के साथ में जा सकते हैं, आप मल्टी कैप के साथ में जा सकते हैं, आप बैलेंस फंड के साथ में भी जा सकते हैं। और मेरे वीडियोस के नीचे एक कमेंट्स मुझे बार बार आता है कि मुझे ये म्यूचुअल फंड बंद करना है, दूसरा प्लान मुझे शुरू करना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा है कि आपने अपनी SIP को स्टॉप करनी है। SIP में इन्वेस्टेड पैसे को आप तुरंत रिडीम भी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो उस पैसे को वहीं रहने दीजिए, उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आप जो है नया कोई SIP जिसमें आप शुरू करना चाहते हैं उसका कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, बस आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए। मैं इतना चाहता हूं कि आप जो है फिक्स डिपॉजिट से ऊपर उठ करके कहीं भी इक्विटी मार्केट में निवेश करेंगे तो वहां पर आपका पैसा जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर आपके जो प्लान्स हैं वो अच्छे हैं, आपने अच्छे प्लान्स चुने हैं, तो इतना आप याद रखिए कि जो इंडेक्स फंड है वो कभी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, कुछ छूट गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल चल रहा हो तो वो भी आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको
अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट इस वीडियो को लाइक करके दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। तो आज के लिए कुछ इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।